अब आपको बताएंगे कि एक कैशियर की क्या क्या ड्यूटी होती है जब वो किसी जॉब पे जाता है। मैंने खुद कैशियर का काम किया हुआ है। कैशियर के काम में मैं क्या करता था कि सबसे पहले अपनी जेब में मैं खाली कर लेता था, जो भी अपने मेरे सामान जेब में जितने भी पैसे हैं, जितने भी सामान हैं, मोबाइल वगैरह हैं, सब अपना घर में रख के जाना है। दुकान पर कुछ भी ले कर नहीं जाना। हो सकता है कभी भी आपके जो मालिक है उसकी नियत में कुछ फ़र्क पड़ जाए, इसने अपनी जेब में तो कुछ नहीं डाल लिया। जब भी वो कभी भी चेक करेगा तो हम जेब में दिखा सकते, देखो भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, वो खुद ही शर्मिंदा होगा। हम खुद ईमानदार रहेंगे तो कैशियर की हमारी जो जॉब है, नौकरी है, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी और अच्छी होगी और अच्छी रहेगी। ऐसी मेरा खुद का तजर्बा है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, इस तजर्बा किया हुआ है कि मैं खुद खाली जेब में होकर जाता था तो मालिक की जो मर्जी दृष्टि हो मेरी तरफ, देख जो मर्जी देखता रहा, जो मर्जी करता रहा, मेरे मन में डर नहीं होता था 1% भी। अगर अपनी जेब में मैं 500-1000 रुपये लेके जाऊँ तो मेरे को डर लगा रहेगा कि कहीं वो उसको शक ना पड़ जाए कि मैंने उसके गले में से उठा के अपनी जेब में ना रख लिया। इसीलिए मैं अपनी जेब खाली करके जाता था और सक्सेसफुल रहा हूँ। मैंने 5 साल की इसमें जॉब किया है कैशियर की, एज ए कैशियर 5 साल की किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा हूँ और तरक्की की है। और आगे आप भी अगर कभी कैशियर की जॉब करते हो तो इसके लिए आपको एक ही मंत्र याद रखना है कि जेब खाली करके जाना है और अपने दिल को साफ रख के ईमानदारी से ड्यूटी करनी है। और कैशियर की ड्यूटी बहुत अच्छी होती है, इससे आप पूरी जहाँ पर भी बैठे हो सभी की देखभाल आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि जो भी है आपके पास आना है, जितने भी कैश आना है आपके पास आना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।